मिलर टाइम्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक मोहम्मद आजम खान की। सबसे पहले आपको बता दें कि मोहम्मद आजम खान एक ऐसे भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो रामपुर से सांसद सदस्य के रूप में सेवारत हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के सदस्य रहे हैं। आजम खान उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भी थे और रामपुर विधानसभा क्षेत्र से 10 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। जैसा कि सबको मालूम हो कि आजम खान पिछले 27 महीनों से जेल में बंद हैं। आजम खान के खिलाफ पिछले 2.5 सालों में जो 72 मुकदमे दर्ज किए गए थे, उनमें से 71 मुकदमों पे अलग अलग अदालतों से उनको जो है जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी जो एक बचा हुआ मामला है उसमें भी सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट को, अपने फैसले को रिजर्व करके रख लिया है। लेकिन अभी के जो हालात हैं, अभी जो कुछ चल रहा है आजम खान जेल में है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आए दिन आजम खान से मिलने वालों की जो नेता हैं, वो चाहे सपा नेता हो, कांग्रेस नेता हो, कहीं के भी इस तरह के कई ऐसे नेता हैं जो उनसे मिलने लगातार जा रहे हैं। नेताओं से मिलने की, उनसे मिलने की जो नेताओं की लगातार भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जो है शिवपाल यादव उनसे मिलने गए थे और अब कांग्रेस के प्रमुख नेता प्रमोद कृष्णव आजम से मिलने पहुंचे। इससे पहले जब शिवपाल यादव उनसे मिलने गए थे तो आजम खान ने उनसे मुलाकात तो की थी, लेकिन उसके अलावा एक सपा नेता और उनके साथ गए थे, आजम खान ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। अब ऐसा क्यों हुआ था ये आपको अभी हम आगे बताएंगे। इससे पहले कि आपको बता दें कि जब कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णव जब जो उनसे आजम खान से मिलने जेल पहुंचे तो उन्होंने उनसे मुलाकात के बाद बाहर आकर मीडिया में क्या कहा वो हम आपको बताते हैं, वो आपको जानना चाहिए। जेल में आजम खान पर उन्होंने कहा, अपने स्टेट मीडिया से ये बात करते हुए बताया कि जेल में आजम खान पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, आजम को हमने गीता पुस्तक भेंट में दी और उन्होंने हमें खजूर खिलाया। उन्होंने आगे कहा कि मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, सिर्फ उनका हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। आजम खान के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है, वह जब जेल से बाहर आएंगे तब मैं दोबारा उनसे मुलाकात करने आऊंगा और सियासत पर भी चर्चा तभी होगी। बता दें कि जेल में बंद आजम खान और उनका परिवार इस टाइम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से काफी नाराज चल रहा है। रामपुर के विधायक और सपा नेता के कद्दावर मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान जो हैं इस वक्त काफी सपा से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जब से वो 2 सालों से जेल में बंद थे तब से जो है सपा नेता अखिलेश यादव जी उनसे महज एक बार जेल में मिलने गए थे, सिर्फ और सिर्फ 2 साल में एक बार मिलने गए, और उनके लिए, उनकी रिहाई के लिए उन्होंने कोई खास कदम भी नहीं उठाया और ना ही किसी तरह का कोई बड़ा आंदोलन करते हुए नजर आए, इसलिए वो उनसे खासी तौर पर काफी नाराज चल रहे हैं। सपा से आजम खान नाराज हैं, इसका ताजा उदाहरण ये था कि जब उनके चाचा शिवपाल यादव उनसे मिलने जाते हैं तो आजम खान उनसे तो मिल लेते हैं, लेकिन उनके साथ ही एक सपा नेता जो जाते हैं वो उनसे साफ तौर पर मिलने से इनकार कर देते हैं। उन्हें जब बेरंग तरीके से लौटाया जाता है तो ये एक इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सपा को वो संदेश भी देते हैं कि वो सपा के किसी नेता से मिलने नहीं चाहते हैं। इससे पहले जब शिवपाल यादव सीतापुर जेल में उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने भी मीडिया में ये बात कही थी, आकर उनसे मुलाकात के बाद कहा था कि 10 बार के विधायक आजम भाई विधानसभा में सबसे सीनियर लीडर हैं, लोकसभा और राज्यसभा में भी रह चुके हैं, उनके लिए समाजवादी पार्टी को आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन सपा पार्टी कुछ भी करती नजर नहीं आ रही है, आजम भाई के लिए सपा ने कोई संघर्ष नहीं किया है, ये शिवपाल यादव जी ने उनसे मुलाकात के बाद कहा था। रविवार को जब उनके साथ समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, रविदास उनका नाम है, रविदास मल्होत्रा, जब सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करने जाते हैं तो आजम खान से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। इस दौरान वो पत्रकार से बात करते हुए कहते हैं कि उन्होंने जेल प्रशासन पर वो आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि आजम खान की तबीयत खराब है इसलिए वो उनका हालचाल लेने आए थे, जबकि बाद में ये पता चलता है कि आजम खान ने उनसे खुद ही मिलने से मना किया था, उसमें प्रशासन ने कहीं से भी कुछ रोक टोक नहीं की थी। तो ये बात थी, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करी कहीं ना कहीं सपा के लिए, और वो किसी से भी मिलना नहीं चाह रहे, यानी कि किसी भी सपा नेता से वो मिलना नहीं चाह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आजम खान मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को दी अपने एक बयान में कहा था कि सपा जो है उनके साथ है। उन्होंने कहा कि आजम खान की जमानत कराने के लिए हम लोग प्रयासरत कर रहे हैं, प्रयासरत हैं हर वक्त, उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, जबकि
वीडियो में साफ देखा जा सकता है, आप एक वीडियो देखेंगे अभी, उसमें साफ देखा जा सकता है कि आजम खान के लिए पूछे जाने वाले सवाल पर जो है अखिलेश यादव ने कई बार सवाल को अनसुना करा है, इग्नोर कर दिया है और उसे सुना नहीं है, ये साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है। कौन तय करेगा क्या न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैन चौधरी पहुंचे, क्या न्यायालय तय करेगा चीजों को कि नहीं करेगा? सर आजम खान आजम खान परवाह से मिले, जैन चौधरी पहुंचे की बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? आजम खान साहब, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि अभी अखिलेश यादव पर मुस्लिम विरोधी होने का, जो है आजम खान के लिए उचित एक्शन न लेने का आरोप लगाकर कई नेता जो हैं सपा से अपना दामन छुड़ा रहे हैं। सुल्तानपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी सचिव सलमान जावेद के इस्तीफा देते हुए कहा है कि अखिलेश मुसलमानों के लिए नहीं बोलते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि आजम को परिवार समेत जेल में डाला गया और अखिलेश जो है खामोश रहे। तो ये सारी इतनी सारी बातें हैं जो अभी आजम खान को लेकर चल रही हैं। आजम खान जेल में बंद है अभी हाल फिलहाल में, ये सुनने को मिला है कि हो सकता है उनको ईद पर, वो ईद अपने घर पर मनाएं, ये चर्चा में ये विषय अभी है कि वो हो सकता है 2 साल के बाद इस साल अपने घर पे ईद मना सकते हैं, उनको कोर्ट से रिहाई मिल सकती है। तो बस ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे और अगली खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।